हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स हमारे हैं, उनका सवाल है कि डिफाइन नेम रेंज क्या होता है। नेम रेंज के बारे में पहले बता चुका हूं, तो ये फार्मूला पर जब जाएंगे आप तो देखिए यहां पर आपको मिलेगा नेम मैनेजर, ठीक है, और यहीं पर मिलेगा डिफाइन नेम, ठीक है। इसी डिफाइन नेम की बात हो रही है, तो नेम मैनेजर में डिफाइन नेम मिल जाएगा आपको। अब मान लीजिए, देखिए होता क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको टोटल का टोटल करना है, ठीक है, या फिर आपको ये कंप्यूटर का नंबर है तो इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए, राम, श्याम, राजू, सचिन, उमेश, गौरव, तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इसको एक नेम दे देंगे, ठीक है। डिफाइन नेम पे जाएंगे, देखिए डिफाइन नेम पे गए तो ये विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब ये जब विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर कंप्यूटर नाम दिया गया है, आप चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं, वैसे सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो कंप्यूटर नाम देना ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं मैक्सिमम मार्क्स। तो देखिए कंप्यूटर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है वो हमको पता करना है, ठीक है। इसको मैंने एक कमेंट में दे दिया है कि मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कंप्यूटर नाम दे दिया। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए नीचे कंप्यूटर आ रहा है, ये देखिए ये कंप्यूटर आ रहा है, लिखता हूं तो देखिए नीचे दिख रहा है ना। फिलहाल हमें क्या करना है, मान लीजिए कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा मार्क्स क्या है वो हमको पता करना है। तो यहाँ पे MAX मैक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर कंप्यूटर वाले सेक्शन से पता करना है तो आप खाली यहाँ पे लिख दीजिए कंप्यूटर। कंप्यूटर जब लिख देंगे तो खाली कंप्यूटर का मैक्सिमम मार्क्स बताएगा, किसका मैक्सिमम मार्क्स था, मतलब कितना मैक्सिमम मार्क्स था। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में 59 नंबर मैक्सिमम है, देखिए ना क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 59 नंबर मैक्सिमम जो है उसी को ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे कलर से इसको हाईलाइट करता हूँ मिनिमम मार्क्स को, ये देखिए मिनिमम मार्क्स है 19 नंबर, तो 19 नंबर कहाँ है, क्या यही है ना 19 नंबर, तो देखिए इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ये देखिए ये 19 नंबर मिनिमम मार्क्स है। इसी तरह से अगर इसको, ये देखिए ये टोटल है ना, तो टोटल को भी मैं क्या करता हूँ एक नाम दे देता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया और डिफाइन नेम पे जाएंगे, फॉर्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे डिफाइन नेम, ठीक है। तो डिफाइन नेम पे आ गए, अब क्या करना है, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, आप चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल टोटल ही रखता हूँ, ये हो गया। अब टोटल को एक नाम दे दिया मैंने टोटल, ठीक है। अब इस पूरे रेंज को हमने नाम दे दिया टोटल, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, लाइक मैक्स का लगा लेते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं देना, ये रेंज नहीं सेलेक्ट करना, आप डायरेक्टली टोटल देखिए, देखिए इसमें टोटल आ जाएगा नीचे, और देखिए टोटल दिया हुआ है, टोटल ले लीजिए, बंद कीजिए ब्रैकेट को, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए 337 नंबर सबसे ज्यादा नंबर है, किसका है देखते हैं एक बार, ये यहाँ पर 337 है क्या, ये देखिए ये सचिन का नंबर 337 है, ये देख सकते हैं आप, इसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, तो ये देख सकते हैं ये सचिन का जो है सबसे ज्यादा नंबर है 337। तो इस तरीके से आप डिफाइन नेम का यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।